पेट की आग जब जलती है तो गर्दन की परवाह लोग नहीं करते। भूखा है सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। ये गब्बर का खौफ दिला दिला कर ये कब तक हमारा करते रहेंगे। था एमआईएम असल निशाना था, उनके खून का इंसाफ दिलाएंगे, किसी में हिम्मत कहने की नहीं हुई। महागठबंधन की सरकार आ गई है और ये माना जा रहा है कि खासतौर से जो सेकुलर समाज है वो काफी सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ एआईएमआईएम के विधायक है अख्तरुल साहब। महागठबंधन की सरकार है और आप तो मानेंगे कि सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? भाई सामाजिक न्याय की सरकार हो या सामाजिक समरसता की सरकार हो, इनका दावा ये है कि हम अकलियत के लोग माइनॉरिटी के लोगों को गर्दन कटने से बचाते हैं। मोदी के राज में मॉब लिंचिंग हो तो चलिए एक बात कही जा सकती है, मस्जिद तोड़ने वालों के राज में हो तो कही जा सकती है, गुजरात के दंगा कराने वालों के राज में तो कही जा सकती है, लेकिन जो इनके खिलाफ सेकुलरिज्म के नाम पर अकलियतों के नाम पर सरकार चला रहे हैं, बल्कि अकलियतों के लीडरशिप को कत्ल करके ही सरकार बनी है। और वहां पर अभी गया में बाबर की हत्या हो रही है, समस्तीपुर में इसहाक की हत्या हो रही है, हत्या नहीं हो मॉब लिंचिंग हो रही है और सरकार चुप बैठी हुई है, कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और जिनकी हत्या हुई है उनके फैमिली को धमकाया जा रहा है, हॉस्पिटल में आकर धमकी दी जा रही है और उसके बावजूद भी सरकार चुप है। तो आखिर क्या चाह रही है कि सिर्फ यही डराकर धमकाकर अकलियती के लोगों को चुप रखने का वो करेंगे? क्या यही सरकार का फैसला हो गया? शून्यकाल में एक जवाब सवाल दिया था और पता चला कि उसको भी स्किप करने की तैयारी थी। बिल्कुल, मैं आभारी हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने कम से कम मेरी गुहार सुनी है और इस पर बात करने का मौका दिया, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता है कि किसी मंत्री ने उठकर दो बात नहीं कही कि जिन अकलियतों का हमको वोट मिला है, जिन अकलियतों का समर्थन मिला है और जिनकी हम आशा रखते हैं उनके खून का इंसाफ दिलाएंगे, किसी में हिम्मत कहने की नहीं हुई। ये संवेदनहीनता है। पिछले दिनों सीमांचल में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और उसमें ये कहा गया, खासतौर से आप लोगों की तरफ इशारा करते हुए, कि आप लोगों से संभल कर रहने की जरूरत है। हाँ, तो इसीलिए ना संभल के रहने के लिए है कि मैं अकलियतों की बात करता हूँ, मैं दलितों की बात करता हूँ, मैं इंसाफ की बात करता हूँ, मैं वंचित क्षेत्रों के विकास की बात करता हूँ, इसलिए मुझसे संभल के रहने की जरूरत है। और उनके गले लग जाना है इसलिए कि वो गुजरात के का दंगा का खौफ दिखा रहे हैं, बीजेपी का खौफ दिखा रहे हैं, यानी कि तुम खौफ से चुप रहो, बच्चा भूखा है सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। ये गब्बर का खौफ दिला दिला कर ये कब तक हमारा करते रहेंगे? पेट की आग जब जलती है तो गर्दन की परवाह लोग नहीं करते, अपनी भूख के लिए रास्ता तलाश करते हैं। यही वजह है कि इनके सहारा को छोड़कर, मेन रूट को छोड़कर पगडंडी के जरिए से एमआईएम पार्लियामेंट में भी पहुंची है, असेंबली में पहुंची है और वहां तो जो कुछ भी था वहां तो बीजेपी एक बहाना था, एमआईएम असल निशाना था। और सीमांचल के लोग आए थे कि पिछले दिनों में तेजस्वी जी ने कहा था कि साहब मेरी सरकार बनेगी तो मैं सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए सीमांचल विकास आयोग का गठन करूंगा, शायद ऐलान करेंगे। आए तो उम्मीद से थे, निराश होकर लौटे हैं। और ये बता रहे थे कि महागठबंधन की भी सरकार में अकलियत सुरक्षित नहीं है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस सरकार में अकलियत सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील केसरी के साथ आशुतोष चंद्रा, कसिस न्यूज, पटना।